चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली में फिर से स्कूल बंद किए जाएंगे। गोपाल राय ने ये जानकारी दी है और कल से ही दिल्ली के सभी स्कूल एक बार फिर से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये फैसला लिया गया है क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बड़ों के लिए तो आपने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, लेकिन छोटे छोटे 3 से 4 साल के बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं। आपने कहा था स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल तो बच्चे जा रहे हैं, जिसके बाद अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ये फैसला लिया है, ये जानकारी दी है कि दिल्ली में एक बार फिर से कल से सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब है और दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी काजोल नारायण मेरे साथ जुड़ चुकी है। काजोल, सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और फिर अब दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए, यानी कि दिल्ली सरकार अपने बल पर कुछ काम नहीं करेगी, जब फटकार लगाई जाएगी तभी फैसला लिया जाएगा। देखिए पारुल, जिस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है इससे साफ नजर आता है कि जब जब फटकार लगेगी तब तब ये एक्शन लेंगे। इसका मतलब कि ये जनता के लिए नहीं सोचेंगे, मासूम बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। आज फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें, तो अब वो स्कूल बंद करने की कगार पर आ गए हैं। अब स्कूल बंद रहेंगे दिल्ली के, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पहले क्यों नहीं सोचा गया, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है काफी समय से खराब है, उसके बावजूद भी दिल्ली में पहले स्कूल बंद थे, फिर स्कूल खोले गए, फिर बंद कर दिए गए, अब फिर बंद किए जा रहे हैं। तो क्या आखिर केजरीवाल सरकार क्या चाहती है? क्या सिर्फ और सिर्फ जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है या जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? तमाम सवाल जो हैं अब दिल्ली सरकार पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं काला जरूर हूं लेकिन मेरी नीयत साफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो नीयत केजरीवाल की कितनी साफ है ये दिखाई देता है। ये उदाहरण है कि गोपाल राय आते हैं और कहते हैं कि कल से दिल्ली में स्कूल बंद हो जाएंगे, यानी कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब आगे दिल्ली सरकार क्या एक्शन लेती है प्रदूषण को रोकने के लिए ये भी देखना होगा। पारुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार इसमें सुनवाई कर दी और तीनों बार दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। हर बार दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक्शन लेंगे केंद्र तभी तो सहयोग करेगा। आप एक्शन नहीं लेते, आप ठीक रिपोर्ट देते हैं केंद्र पर, जब आपको फटकार लगा देता है सुप्रीम कोर्ट तब आप एक्शन में आ जाते हैं, वरना सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। बिल्कुल काजोल, और देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं जब जिस तरह से आपने भी कहा कि जब जब दिल्ली सरकार को फटकार लगती है तभी वो एक्शन लेती है। इससे पहले भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण को देखते हुए लॉकडाउन के विकल्प पर भी विचार करें। उसके बाद दिल्ली सरकार जब अगली सुनवाई में सामने आई तो हलफनामा रख दिया कि हम लॉकडाउन के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही दिल्ली सरकार करेगी, खुद का कुछ नहीं सोचना है। देखिए शायद दिल्ली सरकार को आदत लग गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं लगाएगा तब तक दिल्ली सरकार एक्शन में नहीं आएगी। आपने लॉकडाउन की बात करी थी तो दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम लॉकडाउन के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र इसमें सहयोग नहीं कर रहा है क्योंकि आसपास के राज्यों में भी जो है वो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में सबसे पहले स्मॉग टावर बनकर तैयार हुआ है। स्मॉग टावर कितना इस्तेमाल में लाया जा रहा है ये हकीकत वहां के लोग जानते हैं। ग्राउंड जीरो पर जब आप जाएंगे पारुल, आप भी देखेंगे कि स्मॉग टावर किस तरह से काम कर रहा है। स्मॉग टावर लगा देने से प्रदूषण कम नहीं होता है। आसपास इतना कूड़ा है, फैक्ट्री है जिनका धुआं जो है लगातार निकलता है। इसके अलावा रेड लाइट पर अगर आप रुकते हैं तो आपको इंजन ऑफ करना होगा। ये स्लोगन हम बहुत देर से देख रहे हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं और बहुत दिनों से ये केजरीवाल सरकार कर रही है, लेकिन अब जो है सख्त एक्शन लेने की तैयारी होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार आई थी जब सत्ता में तो दिल्ली में ऑड इवन की तर्ज पर वाहनों को चलाने का एक परमिट निकाला गया था। ये बहुत अच्छा भी साबित हुआ था। इसको दोबारा क्यों नहीं अमल में लाया जा रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बहुत हो गया है, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 400
दिसंबर चल गया है, नवंबर अक्टूबर की समझ में आ रहा बिल्कुल काजोल। और पिछले काफी समय से प्रदूषण इसी तरह से इसी महीने में देखने के मिलता है, लेकिन अगर दिसंबर के महीने की बात की जाए हर साल तो दिसंबर में प्रदूषण काफी कम भी हो जाता है, लेकिन इस बार दिसंबर के शुरुआती दूसरा आज ये दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाना भी पड़ेगा। बिल्कुल वही मैंने कहा पारुल कि अब सख्त रुख अपनाने की जरूरत है और इवन की तर्ज को दोबारा से अमल में लाने की जरूरत है। इससे बहुत फायदा दिल्ली को हुआ था। अगर दिल्ली वासियों को खुली हवा में शुद्ध हवा में सांस लेनी है तो ये अब आम जनता को भी मांग करनी होगी। देखिए हम केंद्र सरकार को कह सकते हैं, हम राज्य सरकार को कह सकते हैं, लेकिन एक आम जिम्मेदार जो नागरिक हैं उनको भी अब अपनी जो शिकायतें हैं वो सरकार के सामने रखनी होगी ताकि सरकार पर प्रेशर बने और सरकार एक्शन ले, तभी प्रदूषण से सॉल्यूशन निकल सकता है, वरना पॉल्यूशन पॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा और फटकार पर काम होगा, फटकार नहीं लगेगी तो राज्य सरकार जो है, जो दिल्ली सरकार है, वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर चैनल के माध्यम से बाइटें देंगे और काम खत्म। जी चलिए ठीक है काजोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी है कि अब दिल्ली में कल से सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार लगी तो तुरंत एक्शन ले लिया गया, तुरंत फैसला कर लिया गया कि दिल्ली में अब अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि नवंबर में भी एक हफ्ते तक करीब स्कूल बंद रखे गए थे दिल्ली में, लेकिन उसके बाद 29 नवंबर से दिल्ली के सभी स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था, जिसके बाद अब प्रदूषण की जब स्थिति नहीं सुधरी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब अगले आदेश तक दिल्ली के कल से सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे।